गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास टेंथ हिंदी मीडियम। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, एक प्रोटॉन लिखेंगे। एक प्रोटॉन, एक प्रोटॉन सवाल है। देखो जो कल लोगों ने पढ़ा था उससे रिलेटेड है, अच्छे क्वेश्चन है, उसको लगवा दे रहे हैं आज। एक प्रोटॉन 2.0 × 10^5 5 मीटर, 10^5 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, प्रति सेकंड के वेग से, के वेग से चुंबकीय क्षेत्र में, वेग से चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से, क्षेत्र की दिशा से, दिशा से 90 अंश का कोण बनाते हुए गुजरता है। क्षेत्र की दिशा से 90 अंश का, 90 अंश का कोण बनाते हुए गुजरता है, बनाते हुए गुजरता है। ठीक है बेटा, यदि प्रोटॉन पर लगने वाला बल, यदि प्रोटॉन पर, प्रोटॉन पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, यदि प्रोटॉन पर लगने वाला बल 3.2 × 10^5 -10 न्यूटन का हो तो, 3.2 × 10^-10 न्यूटन का हो तो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। वो तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की, तीव्रता की गणना कीजिए, गणना कीजिए। ठीक है बेटा, एक प्रोटॉन है जो 2.0 × 10^5 मीटर पर सेकंड के वेग से चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 90 अंश का कोण बनाते हुए गुजरता है। यदि प्रोटॉन पर लगने वाला बल 3.2 × 10^-10 न्यूटन का हो तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की हम लोगों को क्या करना है बेटा, गणना करना है। देखिए दिया है, दिया है, दिया है प्रोटॉन का वेग, यानी वेग v बराबर 2.0 × 10^5 मीटर। ठीक है बेटा, और उसके बाद थीटा का मान 90 अंश दे दिया बेटा, 90 अंश। और प्रोटॉन पर आवेश डालते हो q का मान कितना होता है, 1.6 × 10^-19 कूलम, ये प्रोटॉन का आवेश होता है कूलम। और उस पर जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, 3.2 × 10^-10 न्यूटन। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है, या बी बराबर उनको क्वेश्चन मान ले लिया है। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने जानते हैं, यानी कि हम जानते हैं
थीटा होता है। तो यहाँ से बेटा हम लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू होता है आई टी, क्या होता है आई टी। तो क्यू को मान यहाँ एफ बराबर मिलेगा हमको, क्या मिलेगा तो आई की वैल्यू क्या होगी बेटा क्यू अपॉन टी हो जाएगी। तो आई की वैल्यू रखोगे तो मिलेगी क्यू अपॉन टी इंटू बी इंटू एल साइन थीटा। बेटा इसको ऐसे भी लिखेंगे एफ इक्वल टू क्यू बी इंटू एल अपॉन टी, ऐसे लिख सकते हैं इंटू साइन थीटा। और ये एल अपॉन टी क्या होता है, ये होता है बी, बी इज इक्वल टू जाएगा एल अपॉन, यहाँ रखेंगे तो क्या मिलेगा एफ इक्वल टू क्यू बी बी साइन हो जाएगा, समझ में आया। तो एक फार्मूला यहाँ से हमको मिल गया एफ इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा, ठीक है बेटा। एफ इक्वल टू क्यू का मान कितना है यहाँ से देखो 1.6 गुणे 10 की घात -19। बी निकालना है या पहले अगर बी निकालना है तो इसको ऐसे लिख देना, ऐसे लिख सकते हैं बेटा हम क्यू बी बी साइन थीटा इक्वल टू एफ, लिख सकते हैं ना, ठीक है। इसको इधर हम रेस कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से b इक्वल टू जो मिलेगा, b इक्वल टू मिलेगा f अपॉन क्यू वी साइन थीटा मिलेगा। तो b की वैल्यू मिलेगी, f की वैल्यू कितनी है 3.2 × 10⁻¹⁰ नीचे। q का मान कितना बेटा 1.6 × 10⁻¹⁹ और गुणे v का मान कितना है 2.0 × 10⁵, ठीक है। और इंटू साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। 0.0 कट गया, 16 × 16 = 32। तो आंसर आएगा बेटा b बराबर 2×10⁻¹⁰ नीचे बचा क्या 2×10⁻¹⁹ + 5, क्योंकि साइन 90 वैल्यू 1 होगा। यहाँ से क्या निकलेगा b बराबर 2 से 2 भी कैंसिल होगी 10⁻¹⁰ नीचे क्या आ जाएगा 10⁻¹⁴ आ जाएगा। तो v बराबर हो जाएगा 10⁻¹⁰ + 14, तो आंसर जो मिलेगा v बराबर मिलेगा 10⁻¹⁴ मिलेगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ठीक है बेटा। नोट करो दस की घात 4 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। सवाल अच्छा है, काफ़ी प्यारा सवाल है, नोट करो जल्दी से। हो गया ना, अब आगे देखो ध्यान से अगला सवाल क्या है। देखिए एक प्रोटॉन जिस पर आवेश, क्वेश्चन लिखेंगे एक प्रोटॉन जिस पर आवेश, एक प्रोटॉन जिस पर
आवेश, जिस पर आवेश 1.6 × 10 की घात −19 कूलम है, −19 कूलम है, −3.0 × 10⁻³ ठीक है बेटा। के वेग से, के वेग से, के वेग से −3.0 × 10³ के वेग से 10³ मीटर प्रति सेकंड के वेग से, के वेग से 3.0 × 10³ इसमें क्या लिखा है, एक प्रोटॉन जिस पर आवेश 1.6 × 10⁻³ है, ठीक है, 3.0 × 10³ के वेग से, वेग से 3.0 × 10³ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में, के चुंबकीय, के चुंबकीय क्षेत्र में, के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, क्षेत्र में, क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, प्रवेश करता है, प्रवेश करता है, ठीक है। प्रोटॉन पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, प्रोटॉन पर लगने वाले, लगने वाले बल की गणना कीजिए, बल की गणना कीजिए, ठीक है ना। अब यहां भी मैंने दिया है, क्या दिया बेटा, एक प्रोटॉन जिस पर आवेश क्यू का मान है 1.6 × 10⁻¹ कूलम, ठीक है। वेग v बराबर दिया बेटा कितना, वेग बराबर है 3.0 × 10³ मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, और चुंबकीय क्षेत्र B का मान दिया बेटा 3.0 × 10³ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर हो गया। लंबवत प्रवेश करता है बेटा थीटा का वैल्यू कितना, 90 डिग्री है, और उसके बाद एफ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क पूछ लिया, ठीक है ना। अभी भी फार्मूला मैंने बताया आपको, ठीक है ना, फार्मूला क्या बताया, एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा,
बताया इसके पहले कैसे आया फार्मूला, मैंने अभी बताया, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू कितना बेटा, 1.6 × 10⁻¹। वी का मान कितना है, 3.0 × 10³, ठीक है। और बी का मान भी यही सा इतना, 3.0 × 10³। और साइन लंबवत प्रवेश कर रहा तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो जो बचा लिख दो एफ इक्वल टू 1.6 × 3 × 10⁻¹⁹ + 3 + 3, ऐसे भी देखिए साइन 90 की वैल्यू जानते ही, एफ इक्वल टू बेटा 1.6 × 3 = 9 और × 10⁻¹⁹ + 6, तो एफ का मान कितना मिलेगा, 16 × 6 = 44, 14.4 और × 10⁻¹⁹, 9 × 6 = 15, तो −13 आ जाएगा न्यूटन। मतलब एफ पर लगने वाला बल जो होगा वो हो जाएगा कितना, 1.14 × 10⁻¹⁹ तो है ना −13, या 1.14 × 10⁻¹⁻¹² भी बोल सकते हो, ठीक है बेटा नोट कर लो जल्दी से, ये हमारा न्यूमेरिकल होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मिटा देते बेटा, न्यूमेरिकल एकदम इजी है ना इस चैप्टर के, इस चैप्टर से कहा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखना इस चैप्टर से कहा दो क्वेश्चन एग्जाम में 100% श्योर पूछे जाते हैं, तो वो इस टाइप के न्यूमेरिकल जो है आप लोग लगाते रहना, ठीक है ना। देखो ध्यान से अगला क्वेश्चन मेरा, तार को 10⁻², तार को 10⁻², वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में, तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में, क्षेत्र में रखे जाने पर, क्षेत्र में रखे जाने पर, रखे जाने पर, ठीक बड़ा रखे जाने पर, इस पर रखे जाने पर, इस पर, इस पर 8.66 × 10³⁻³ का बल लगता है, −3 न्यूटन का बल लगता है, न्यूटन का बल लगता है, ठीक है बेटा बल लगता है, जबकि यह क्षेत्र की दिशा में, जबकि यह क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र की दिशा में, जबकि यह क्षेत्र की दिशा में 60° का कोण बनाता है, क्षेत्र की
समय 60 अंश का, 60 अंश का कोण बनाता है, 60 अंश का कोण बनाता है, हो गया। तार में बहने वाली धारा की गणना कीजिए, बनाता है, ठीक है। तार में बहने वाली धारा की गणना कीजिए, बहने वाली धारा की गणना कीजिए, देखो यहाँ से सवाल थोड़ा इंटरचेंज हुआ। यहाँ हमसे धारा पूछ लिया, कह रहा है कि 0.4 मीटर लंबे तार को 10^-2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर इस पर 8.66×10^-3 न्यूटन का बल लगता है, जबकि यह क्षेत्र की दिशा में 60 अंश का कोण बनाता है, तो तार में बहने वाली धारा का मान बताइए। तार में बहने वाली धारा की हम लोगों को क्या करना है बेटा, गणना करनी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी कर लो इसको, क्वेश्चन नोट हो गया ना। देखो भाई ध्यान से क्वेश्चन और इसको सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन में देखो क्या है, कह रहा है भाई दिया गया, इसमें जो लिखेंगे दिया है, दिया है एल बराबर 0.4 मीटर, ठीक है ना, और बी बराबर 10^-2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, और एफ का मान दिया बेटा कितना, 8.66×10^-3 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और कितने अंश कोण रखा, थीटा का वैल्यू कितना दिया बेटा 60 अंश, ठीक है ना, और आई पूछ लिया है, आई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, एफ इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा होता है बेटा। आई की वैल्यू यहाँ से मिलेगी एफ अपॉन आई एल साइन थीटा, हो गया आई नहीं बी एल साइन थीटा। एफ की वैल्यू कितना निकालेंगे, 8.66×10^-3 अपॉन 10^-3, ठीक है, और अपॉन में बी की वैल्यू कितना बेटा 10^-2 और एल की वैल्यू 0.4 और इंटू साइन 60°। ये तो है, तो इसको रेस कर देना है, लिख रहे हैं एफ इज इक्वल टू 8.66×10^-3 अपॉन 10^-2 या ऐसे लिख दिया 0.4×10^-2 और साइन 60 वैल्यू होती है बेटा √3 अपॉन में 2 को ऊपर ले दो, ये हो जाएगा कितना, एफ इक्वल टू 8.66×10^-3, ठीक है, और इंटू ये 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे बचेगा 0.4
माइनस टू और इंटू रूट थ्री हो जाएगा बेटा। तो एफ इज इक्वल टू तो निकलेगा क्या निकलेगा, इस टेन को ऊपर लेके चलते हैं तो ये जाएगा हमारा कितना, टू सिक्स जब या ऐसे कर टू टू जब फोर टू वन जब टू कैंसिल हो गया, टू वन जब टू टू फोर जब एट टू थ्री जब सिक्स ऐसे फोर पॉइंट थ्री थ्री इंटू टेन टू द पावर माइनस टू प्लस टू सॉरी माइनस थ्री प्लस टू अपॉन में बेटा हो जाएगा रूट थ्री, क्या हो जाएगा रूट थ्री। ठीक है तो चाहो तो इसे ऐसे भी सकते एफ इक्वल टू फोर पॉइंट थ्री थ्री ठीक है और अपॉन इंटू टेन टू द पावर माइनस टू लिख सकते हैं टेन टू द पावर माइनस वन ठीक है भाई और अपन निकल जाएगा रूट थ्री हो जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। जब इसे सॉल्व करेंगे इसे सॉल्व कैसे करेंगे लिखो ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे, इसे लिख सकते हो एफ इक्वल टू फोर पॉइंट थ्री थ्री या ऐसे लिखो जीरो पॉइंट फोर थ्री थ्री। अब ये जो माइनस का खत्म हो गया नीचे बच्चा केवल रूट थ्री क्योंकि एक नंबर के बाद घर लेके चले गए, अब चाहो तो रूट थ्री से ऊपर और रूट थ्री से नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकलेगा देखो ध्यान से एफ इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर थ्री थ्री इंटू रूट थ्री अपॉन रूट थ्री सॉरी नीचे थ्री का हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दो एफ इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर थ्री थ्री मल्टीप्लाइड बाई वन पॉइंट सेवन थ्री, अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वन और नीचे लिख देना थ्री वन पॉइंट सेवन थ्री टू ठीक है और जीरो पॉइंट फोर थ्री थ्री अपॉन थ्री टू जा सिक्स थ्री थ्री जा नाइन थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन और थ्री वन जा थ्री टू फाइव ठीक है बेटा ये भी हो जाएगा सिक्स नाइन वन फाइव फिर फोर टू जा एट फोर थ्री जा ट्वेल्व फोर सेवन जा ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन फोर वन जा फोर टू सिक्स नीचे आ गया सिक्स नाइन में सिक्स नौ छः पंद्रह नौ एक दस दस आठ अठारह एक उन्नीस पाँच एक छः छः दो आठ आठ एक नौ नौ पाँच चौदह के चार छः एक सात कितने के बाद दशमलव लगाएंगे एक दो तीन चार पाँच छः एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच छः तो आंसर निकलेगा बेटा जीरो दशमलव सॉरी जीरो दशमलव सात चार नौ नौ पाँच छः बटे तीन ये निकलेगा। अब इसे डिवाइड कर दो ठीक है डिवाइड करना है तो डिवाइड करेंगे क्या आंसर आएगा देखो ध्यान से थ्री से डिवाइड करेंगे एफ नहीं है बेटा ये आई है बार बार एफ की गुण आई है ठीक है आई की वैल्यू मिल गई। अब चाहो तो इसे डिवाइड कर दो तो सेवन फोर नाइन नाइन फाइव सिक्स डिवाइडेड बाई थ्री थ्री टू जा सिक्स फोर हो गया थ्री फोर जा ट्वेल्व दो बचेगा नौ आ जाएगा थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन दो बचेगा फिर नाइन ट्वेंटी सेवन फिर दो बचेगा फाइव आ जाएगा थ्री एट जा ट्वेंटी फोर वन बचेगा फोर सिक्स आ जाएगा फाइव या फिफ्टीन या सीधा सीधा आंसर लिख गए आई की वैल्यू जो आ गई वो आ गई जीरो पॉइंट टू फोर नाइन नाइन एट फाइव एट फाइव नोट कर लो जल्दी करो ये हमको आई की वैल्यू मिल गई। अगला सवाल देखो ध्यान से इसको इरेज करते रहे ठीक है बेटा
जल्दी करो। अगला क्वेश्चन क्या है देखो ध्यान से, प्यार से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी कि इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10^-19 कूलम -19 कूलम यह 1000 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या 1000 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, ठीक है, लंबवत लंबवत 5×10^6 5×10^6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है, ठीक है, गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित, इलेक्ट्रॉन पर आरोपित इलेक्ट्रॉन पर आरोपित चुंबकीय बल की गणना कीजिए, चुंबकीय बल की गणना कीजिए, चुंबकीय बल की गणना कीजिए। चलो देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन पर आवेश लिखेंगे, दिया है क्यू बराबर 1.6×10^-19 कूलम और बी बराबर दिया है 1000 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है, और उसके बाद लंबवत है v बराबर दिया बेटा कितने वेग से कर रहा है 5×10^6 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड, और लंबवत थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, ठीक है ना। चलो देखो ध्यान से, अब लिखेंगे, हम जानते हैं F बराबर होता है क्यू वी वी साइन थीटा, ठीक है, क्यू का मान है 1.6×10^-19, वी का मान है 5×10^6, ठीक है, 5×10^6 और बी का मान क्या बेटा 1000 और बुढ़े साइन 90 डिग्री हो जाएगी,
1.0 × 5 × 10⁻³ - 19 + 6 × 10³ हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1.0 × -19 + 6 + 3 हो जाएगा। sin 90 वैल्यू बेटा 1 हो गई। 8.0 × 10⁻¹⁹ कितना आएगा? -10, ठीक ना, न्यूटन। नोट कर लो जल्दी, लगने वाला बल बेटा आ जाएगा कितना न्यूटन, जल्दी करो। ऐसे क्वेश्चन आसानी से हो जा रहे हैं, इसमें कोई भी कंफ्यूजन या प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अगला सवाल देखो ध्यान से, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल बेटा, क्वेश्चन है 3.02 × 10⁵ - 19 कूलाम का आवेश 10⁵ मीटर प्रति सेकंड के वेग से, मीटर प्रति सेकंड के वेग से 2.0 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर, दिशा के समांतर प्रवेश करता है, समांतर प्रवेश करता है। आवश्यक सूत्र देते हुए आवेश पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, देखिए दिया है क्यू बराबर बेटा दिया है 3.02 × 10⁻¹⁹ कूलाम। ठीक है, और वेग बराबर दिया है 10⁻¹⁵ मीटर प्रति सेकेंड हो गया, और W वेबर मतलब B दिया है 2.0, ठीक है ना, 2.0 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर,
मीटर स्क्वायर और समांतर प्रवेश करता है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री। ध्यान रखना समांतर, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण सदैव क्या होता है, 0 होता है। फार्मूला पढ़े हो, एफ इक्वल टू क्यू बी वी साइन थीटा पढ़े हो। तो बेटा एफ की वैल्यू, क्यू का मान कितना है, 3.2 × 10⁻¹⁹ और गुणे वी का मान है 10⁵ और गुणे कैपिटल बी का मान है 2.0 × बस और साइन 0। साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरा ये टोटल 0। तो एफ की वैल्यू बेटा मिलेगी 0 न्यूटन। एफ की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 न्यूटन। अब नीचे लिखेंगे क्या, नीचे लिखेंगे हम, क्योंकि आवेश, क्योंकि आवेश, आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, क्योंकि आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, अर्थात थीटा का मान क्या है, 0 समांतर है, अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री। ठीक है, ये देंगे, अतः आवेश पर, आवेश पर लगने वाला बल 0 होगा, लगने वाला बल 0 होगा। नोट कर लो जल्दी से, हो गया ना, जल्दी करो भाई, इस तरीके से कोई दिक्कत तो नहीं है, तो आप लोग इसको कर लेना, ठीक है ना। जब कोई दिक्कत हो तो बताना मुझे, और याद रखना भाई टेस्ट जो है आप लोगों का भी होगा, और जो टेस्ट होगा वो ये ध्यान रखो कि आपका जो टेस्ट है वो मंडे से शुरू हो जाएगा, और मंडे को आपका टेस्ट होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जो है ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, गाते रहो और खिलाते रहो।